ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਅੱਬੂ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਆਈ ਆ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਗ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਾਂ शरीकां दी गल्लां सुनियां मुलक होर दी गल्लां सुनियां ते ईमान दी करथ की होया ओ पठा बाड़ा कोई नी लाग जासी कोई नी काला ना पिया करूं पार जु गई तो नौकरी भी अल्लाह देसी नौकरी साहब मुल्क को पता किता साहब पूछे ए साडे पाकिस्तान साडे वर्गे ए दीदी नौकरी काहे नु लगदी चलो मन मकरु पोत नु पढ़ा ला जे दीदी नहीं लगदी ओ इस गलो काहे नु लगदी इतने थब्बा थब्बा नोटा लगले मंगदे रिश्वत पहले हुन मैं किदु रिश्वत लई ईमान दी कर अगले तक धीयां वास्ते जोड़ के रख दे मैं की जोड़ के रखा सारा खर्चा जी पढ़ाई तो किता ओ भी नौकरी तो बगैर इन्हें वधी है तो हुन जिसले शादी की थी जी उसले पिन्ने ठोर पुसना लोका कोलो शरीका कोलो अब्बा मैं कोई नहीं शादी करनी तुसी मेरी कोई ना जल्दी करो तानू पता भी है चलो मैं सहला में दरखास्त दे दीती है ना अल्लाह करसी ते लग ही जासी ना कल मोड़ मैं जाना ते है फैसलाबाद हुन किदे तू कल जाना फैसलाबाद आ देख मेहरबानी करी कोई नहीं जाना फैसलाबाद अगे मुल्क दी थोड़ी गल्ला सुनिया मु ਹੁਣ ਮੋੜਕਸਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਦਾਈ ਇਹਦੀ ਧੀ ਟੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਕਿਦਾਈ ਟੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਥੇ ਗਾਰੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਾਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਪੜਾਇਆ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੜਨ ਘਰ ਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੜਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀ सारा फिर आए पानी पिया मैं मलो मंदा पिया अगले पता नहीं कितने कितने पैसे मांग दे अब्बू जी हुन तुसी तो नाराज ना हो ना मेरे नाल अ मेरा पोत्रो सारा मेरा अकल कढ़ण वाले आ तेरी मां आ मुल्खा ने दीपड़ आ फलाने ने दीपड़ी फलाने ने दीपड़ी ओ फलानी नौकरी ओदी लग गई फलानी लग गई की ईमान दी कर केडियां ऐ समझदार ते सुगड़ सवाणियां होंदियां जड़े दियां दे जेवर बनाए ओ दियां दा जहेज बनाया की तो धी दा बनाया सारे पढ़ाई ते ला छड्या आ मकान साडे वेख हूं ना मैं कोई मकान बना सकिया ओ जेड़ी काई बला ढोर डंडा मैं वेच के ना ते मैं इसे दी पढ़ाई ते ला छड्या तेरे आके लग के पहले दे तू मगर लगा कोई काम चाहिदा कीता भी है जेड़ा करी हाल वाली गति रखना मड़ो उस काम दा फायदा की होना पढ़ाया भी ओनू आई ते रो रो के पढ़ाए ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਸਿਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ
उस प्यार दे तुसी गलत फायदे ना उठाओ। आए रहती पी मेहरबानी कर इस गारी बहा, मैं कोई नू इजाजत जावन देवनी। अम्मी मैनू नी पता अबू नू ना तू ही राजी करना है, पढ़ाई वास्ते भी तू ही मनाया ना मेरे प्यो नू, ते हुण नौकरी वास्ते भी तू ही राजी कर प्यो नू। हां मैं इतनी पढ़ाई जो की नौकरी वास्ते की है वो सारी की करती ते पानी फिर जावना। मेरा पुत्र तू ना परेशान हो, भी सच्चा तेन पता कितने खर्चे होना है, गरीब बंदो जेड़ा कमाया तेरी पढ़ाई ते लग गया, तो तू बाले ना पे अगे जवाब सवाल किते कर, मैं आपे उन समझा लेसा, तू कदो जाना फैसला बाद कल ही ते जावना है मैं, तू वाग जावी मैं आपे उन मुतमैन कर लेसा, समा जाइए तू टेंशन ना मेरा पुतला, तो अल्लाह करे तेरी नौकरी लग जावे। मेरा ते घर दूर सी, मैं चल भाई घर लग गया, मैं उ लै चला, पता नहीं डरी हुई रही बंदा मेरे मगर लगा हुआ, कोई बंदे का पता लगे ना मेनू की पता, मैं किधर आ गई, भाई कितने आवे बिरा तुहाडा ते हुणे आ जांदा है, हुणे ही बाहर निकला साडे नाल लड़ लोड़ के, क्यों बस एक ही रोला हुंदा, ते अम्मी पता ते करिए है कौन, कोई पता ते लगना साडे गले ना कोई रोला पै जावे। हां पुत्तर तू सही प्याणी, मां शेर नु सददियां उस तो पुछदियां भी मसला की है, मैं अजकल जमाना कोई नहीं, डरी होई है तुसी बाबा, मैं लेके आनी है पुछदे है, डरी होई रोंदी पई आंदी बंदा मगर लगा है मेरे, अजकल जमाना ही कोई। खैर ताई असि इतना मिलक बैठे कोई मेरी जी तू दस तो सही कहना दी है तो की मसला ही नहीं, नहीं मेरी दी ना परेशान हो दस हो, तू दसेंगी नहीं तेरा मसला हल की ना करांगे, सानू पता तो लगेगा रोला की है, मैं इत्थे कौन दसना छोरे गल ना दसें दी डर डर के अड़ी शादा तई डरे सानू कई दसें तो सानू पता लगे, नहीं मैं कौन दसना मैनू उस मार गतना, मैं ओ तैनू का मार गतना बोल तो सही कहंदी जूरा ते तैनू मारना तू है कहना दी, ओ दसें दी कोई तो सानू पता लगेगा ना, दस ते सही कौन है, नहीं मैं नहीं दसना। तेरा मतलब कोई नहीं, तू साड़ी कद की मैं टपया, चलो की करना है ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਬਸ ਛੱਡਣ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਛੱਡਣ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਛੱਡ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਜਗਦਾ ਫਟਾ ਛੱਡਿਓ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਡਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਖਾ ਲਾ ਪੱਠੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ हाय गदे सोने रंग दी खोती ओ सारा गा पे खावे ओ सोने रंग दी खोती सारा गा पे खावे
सजना दे बाजू ओ तत्ती वाप यादे ओ गदरे रंग दी गदे। अच्छा तू लत लुत नु मरे दी हौसला मेरी प्यारी गदे 21 लाख रुपया भरिया ना रोंदी है ना किसी अंदर देंदी है ए मेरी प्यारी गदे। और 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 आवे ना ओए और आ ता तेरे को तो मैं डरो नहीं आंदा है ओए और आए तू मैं तो नहीं हम चाक मारया यो गदे ना ले जा ना किसी डॉक्टर ते अब्बा आंदो जाए ठड्डी गदे हो ठड्डी गदे हो के पूंज ना फ्रिज च लगी आज तक हदीज है की होया केड़ा छोरा तू मैनू ए दसो हां जितनिया भी थे च बाका हैं नो हाँ किसे बाग ते तो एक गदे भी नहीं रान दीती ओ गदे मैं मोल लें दो दा गदे जड़ी है ओ मैं मोल लें दो दा खोती ये दा अदब दा ना लिया कर। अच्छा गदे दा अदब दा ना ना लिया चलो ठीक है हाँ तू मैनू ये दा सो कदोकड़िया तू मोल लेन लगा ये मैं गदे मोल लई है मला 35,000 दी मैं मोल लई क्या बात है 35,500 आप गद्दे बड़ी चंगी है छोरा मेरा पुत्र जोड़ी गद्दे है ना एडी सवादी है ना नाले एडी टो नाले ए अखबार ही पढ़ दी है गद्दे। ओ मैं तेरी गाल सुनदा प्याम बे ठड्डी बड़ी होंदी है बे तू साए दे विच दूध रखना होंदा बे खराब हो जांदा ओ चबारो गद्दे ए हकीकत गद्दे दा दूध कितने दी लई है 35,500 दी होण लई है ते दित्ते के नु आनी दीते कहीं ना हाँ जेंदी गद्दे ओन दीते हैं पैसे। अच्छा हाँ एक गद्दे पता है ही भाई है के दी ओ मैंने तो ओ छोआ रखा चाचा है मेरी गद्दे मैं ओन पैसे दे जो आई लग गया आई जा गया एक गद्दे ही मेरी हाँ ते मैंने तो तो पैसे दीते कोई नहीं मोड़ एक मेरी गाल और मने ना मेरा पुत्र मैं यहाँ अखी तो थोड़ी जा मोहताज मोड़ मैं चंगे डॉक्टर को चल लग गए लग गए खलो में ना अन्य बुढ़े बंदे ने मारी जाना की है कसूर की है ओ चाचा जीवन ए बुढ़ेपे ते ना जा चाचा जीवन गद्दे खड़ी आई थी हाँ खड़ी आई इो बंदा लुकावाना लाई ने लुकावाना ला हाँ मेरी गद्दे में ये छाड़ लागी आई ते ओ किसी और दी बाग ते बद्दी आसू ते मां उत्तू मौके तू जा के फाल लिया जरी कोई ना मैं कान ना पे ना आवे मां तेनू अलू थई पेल नहीं ना इस तू चाचा जीवन ए पोछ 35,000 दी ता के नु आई सो 35,000 दी लई है 35,000 दी मैं गद्दे लई है जदा हुन तेनु 35,000 लितर छुट्टे ना उसने तू शोदा बड़ी मनस है ओ मैं लितर रा मारी मैं लितर अगे मरी मरी के मरी मेरी डिगी सोच गई है। अच्छा तू मैं पहले ए दसो गद्दी चोरी करना है बुढ़ा बंदा है ओ ना तू गां चुरैना है ना तू माज लुकैना है ना तू बकरी ओए दस गद्दी की चोरी करना तू मैं तेन दसे ना एक तो गद्दी हुंदी है थद्दी दुआ काम है अमीपुर वाली नहीं ठड्डी की होंगी गद्दी ओ यानी खुद भी शुद्ध का ही नहीं असील अच्छा। गद्दी होंगी अच्छा अच्छा ये देखो आ अमीपुर वाली मंडी नहीं लगती हां हां ओ जी मैं इस से चुराईना लुगा लेना गद्दी ते मैं मरे आ ना मैं तन सच दसे मैं दस जी सही हैगा ओ मैं इस तू जाना लुगा के गद्दे दी परचोल कोई नहीं करेंदा तो बड़े ढोर दी अगले परचोल कर लेंदे आ मेरी मजबूरी और मजबूरी का ही मेहरबानी करे ना जेडी मेरी गद्दे ओ मेहरबानी करके इत मेरे घर पड़ा जाना ओ जी गद्दे हाय तुहाडी की ओ जी गद्दे काली गद्दे आज ओ यो तो पता नहीं सतुआ दे बत्तू हो गई गद्दे गद्दे संगी जा मैं जी आन देना तो पैसे या गद्दे बशारो
चाचा जी हुण इहनू पहले 36,000 लित्तर फेर ते मोड़े गदे लिया दे सी लित्तर मारन दा उल्टा भजना इहनू लित्तर मार की गल ओ मैं तां मैं सुचेंदा ए पिया गद्दे इहनू लै जांदी ए कि ए गद्दे नू जी मैं गद्दे नू उत्ते चढ़ बन सुकून नाल बनया खाड़िया ते लगा गया आमीपुर वाली बन चल दा फौज आ तू चल अच्छा जे गद्दे ना होवे ते खोता लै जां अवां तारा परा चाचा तू एवं जावन दिता घर नू कोई वडेरा दान कर सी ओ मेरे पुत्र गल इने मेरे कोल बैन एक होर स्यापा ओ नवा सोन हुण की बनया ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਬੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਾਈ ਧੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਅਜੇ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਇਸ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗਰੂਵੇਂ ਨੱਸ ਪਈ ਹੈ ਆ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨੱਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਛੇੜ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅੰਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਲਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਹ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰ ਇਹ ਸੁਕਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਖੋ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਾਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਭਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਅਗਲੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਬਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੂੰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵਣਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਚਾ ਬਹੁ ਚਲੋ ਕੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਕਜਾਕ ਆਈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਜਾਕ ਹੁੰਦੋ ਨਾ ਅਤੇ ਆ ਰੋਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਣ ਪਵਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਘਰ ਹੈਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸ਼ਾਦ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰ ਸ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈਏ ਦੇ ਮਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਖਲਾ ਇਹ ਪਵਣਾ ਹੀ ਪਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਣ ਦੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗਣੀ ਭੋਗਣੀ ਪਾਏ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਭੋਗ ਜਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਆ ਛੋਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਨੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਉਥਾਈਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ 12 ਮਾਪੇ ਚਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਤਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਪੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆਓ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਾ ਮੇਰਾ ਆ ਤਸੀਨਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਅਮਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰ ਮੋੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦ ਡਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਬਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਪਏ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਸੌਸਾਂ
ठीक है अपनी हिफाजत करनी चाहिए। ध्यान रखिया ध्यान हो मुड़ भी हिफाजत अपनी चंगी होंगी। ठीक है भाई हूँ मैं जड़ा ना थोड़ी जी परेशानी हटी है पर अजन थोड़ा थोड़ा हाँ भी सही अल्लाह करे सी हो भी मिट जासी कोई नहीं मसला तू ना परेशान हो। तो अम्मी मेरी गल तो तू कोई नहीं कीती अब्बू नाल मैं फैसला बाद ही जाना सवेरे पुत्र मैं तो ना कहा तू कल वाग जावी मां तेरे पियो ना आपे संभाल ऐसा तू इंजा परेशान होई बैठी ए ना होवे ना बाद जब मेरे नाल लड़े ना नहीं कोई गल भी नहीं मैं आपे उन समझा ले सका नहीं परेशानी वाली गल तू चली जावे हला ठीक है मरन जाऊंगा क्यों मरन जाऊंगा मैं तेन अपने हाथों मारना तू क्यों मरनी बस तुसी मैंने अपने हाथों मारो या जो करो मैं मरन जाऊंगा मेरा पुत मैं तेरे वास्ते कोई बैड़ा सोचा मैं तेरा प्यो हाँ कुछ समझने की कोशिश कर मैं तेरा तो चंगा ही पा सोचना ना अबू अदे मैं शादी नहीं करनी उस टाइम नहीं की जो तो मेरी इज्जत आई तो हूँ मेरी इज्जत कोई नहीं हूँ तो मैं मरना है बस ना गरु पैर च आया तो ना इज्जत खराब हो गया हूँ तेरे पले की रह गया तो मेरे पले की रह गया जीवन का हक तो तेन वैसे भी कोई नहीं हो बस मैं मरना है ना मैं पता है कि जीवन का हक नहीं है मुबशर मेरी इज्जत खराब कर छड़ी करने की कोशिश की ओ मुबशर कौन है ओ जिन्ना दे घर में गई हम उस दिन तुसी आया ओना ने बतरिया ओना मैंने उस दिन नाल गलिया पहले तो मैं तेरा घोट भरना ना तो पीछे मुड़ मुबशर ना मुकसा मैं अब मैं आपे ही मर जा जबरू जिन्ना तेरी दी की इज्जत खराब की है हूं उन्होंने को बदला लाओ उन्होंने दी की इज्जत खराब कर चल जबरू पिस्तौल चाके उनु मार के भेजिया हाँ। बंदा मेरे पीछे लगे होया तेरे पीछे लगे होया चल घर चलो चल तू घर मेरा पोत्र मेनू तफसील गल तो दसो सारी
पहले ओनू बचाओ, जेड़ा चोर आ की ना है ओदा मलंगी, ओस ओनू मार देवणा। क्यों की होया रिंशा, क्यों रोंदी पण, की होई, की होया है ना, पूछ की होया मेरे नाल, पूछो सो रिंशा की होया है। बड़ी मुश्किल नाल मैं अपनी इज्जत बचा के आई हां। होया की है, केड़े तेरी इज्जत पीछे लगो होया। हमें जेड़ा वो बंदा आया बंदूक चाह के घर वाला आया, हां जी, जिनू मार कुड़ के बचाओ, आज मेरे पीछे लगा होया। क्या सारी तेरी गलतियां, मेरी को इज्जत का जनाजा कटा के तो रस है हूं, मैं भी हौले भी बला इत साडे घर ना वाड़े आवे। किदू टकरी, किदू टकरी है, बार वधी आई किदे गल्ले होए, पता है कोई नू ए तो नौकरी लवावन जा, नौकरी लवावन, चंगी नौकरी तू लवाईंदी पईया तन में रुकना। आजकल कोई ने जमाना कोई ने हालात ना दी नू बाहर जावन दे, मत रोक रोक के गया मोड़ी तो गल दी परेशान हो छोरे, मेनू मार के तेरे लावना। अब्बा मेनू तो बहुत डर पिया लगदा। ओ मेरा पुत्र हुण केड़ी डरन वाली गल है, हुण दस पिछला पास तेन मारन दे, केड़ा वक्त मैं देखना पिया, वो भी सिर्फ तेरे मगर है, पता नहीं है मेरे नाल हुण की होसी ते की ना होसी। अबू जी और मैं की कर दी, इस दुनिया तो डर के तो नहीं ऐसे बह सकते ना, और कि मैं पढ़ना लिखना छोड़ देवा दुनिया तो डर के। आज मैं हिम्मत की थी, कल कोई खानदान है मेरी तरह कोई और भी हिम्मत कर सी, ते एवें तरह सादा कोई खानदान जड़ा है वो पढ़ा लिखा बन जा सी, इहदे च केड़ी बुराई है, केड़ा गलत काम कीता है। मैं तो अपनी नौकरी लवावनी है अबू जी, चाहे जो मर्जी हो जावे। चलो ठीक है मेरा पुत, ये तेरी ये जिद है ना, तू नौकरी लवावनी लवावनी, इन वास्ते तो कल्या नहीं जाना। मैं प्यो हाँ, मैं तेरे नाल जस, मैं अपनी धी की नौकरी खुद आप लवी सा, तेरे नाल ला जा। ठीक है अबू जी। ठीक है मेरा पुत्र। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं और रिमशा हुसैन, तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने स्टोरी बनाई, हमारी जो स्टोरी का जो मकसद होता है वो हम फोकस करते हैं एजुकेशन पे, जितनी ज़्यादा एजुकेशन आप अपने बच्चों को दिलाएंगे उतना ही आप यानी कि फ़ायदे में और आपकी औलाद भी है उसका मुस्तकबिल बनेगा। अब देखिए आज हमने स्टोरी दिखाई इस तरह के जो इलाके होते हैं, यहाँ पर ना तो स्कूल होता है ना कॉलेज होते हैं ना यूनिवर्सिटी होती हैं, तो दूर दराज यानी कि जाना पड़ता है, बच्ची हैं चाहे बच्चे हैं वो भी तालीम के लिए शहर उनको जाना पड़ता है गाँव से निकल कर, तो उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है जहाँ पर ग्राउंड स्कूल कॉलेज आबाद नहीं होंगे, तो आपके बच्चों में क्या अकल आएगा, क्या शऊर होगी। जब आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाकर यूनिवर्सिटी जाकर कॉलेज जाकर तालीम हासिल करते हैं तो वो दाना बनते हैं, शऊर आता है उनमें, अक्लमंद बनते हैं, सेहतमंद बनते हैं, हमारा यानी कि जो मुल्क है वो यानी कि तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाता है जितनी तालीम यानी कि बच्चे हासिल करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की कमबख्ती ये है कि वो शहरों में यानी कि हो यानी कि जितनी उनकी कोशिश है शहरों में तो यानी कि स्कूल वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो पसमानदा इलाके होते हैं यहाँ पर स्कूल नहीं आबाद कर पाते वो, ना यहाँ पर यानी कि स्कूल की सहूलत होती है ना कोई अस्पताल की किसी चीज़ की भी नहीं होती है, तो ऐसे यानी कि खास तौर पे जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें तालीम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनकी जो तालीम है वो इस तरीके से कईयों की रुक भी जाती है, कोई नहीं जा पाती स्कूल, कोई ऐसे यानी कि अनपढ़ रह जाती हैं। तो ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल जो है सिर्फ शहरों में नहीं इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बनवाएं जितना हो सके, ताकि बच्चियाँ जो है जो दूर नहीं जा सकती हैं वो यहाँ पर रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि हुकूमत से कि आप लोग देख रहे हैं कि गांव देहातों में बच्चियां जो है नहीं घर से बाहर निकल सकती, तो प्लीज़ जितना हो सके अपने यानी कि देहातों में स्कूल यूनिवर्सिटियां बनाना शुरू कर दें, ताकि यानी कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ यानी कि गामजन हो जाए।
सिर्फ हमारा ये छोटा सा मैसेज था। दूसरा, आपको बार बार कह रहे हैं बाटा टीवी की जानव से ऑडिशन स्टार्ट है, यकम डेट तक है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, तो जितना हो सके ये लड़कियां जो है स्पेशली उन्हीं के लिए ऑडिशन है, तो वो जितना जल्दी हो सके रब्ता करें। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। करना आपने सिर्फ यही होता है कि अपनी 3 पिक्चर भेजनी होती है, एक सर से लेकर पांव तक होनी चाहिए, एक साइड से होनी चाहिए और एक फ्रंट से होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस नंबर पर रब्ता करें और जल्दी से हमारे साथ यानी कि हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं। तो जाते जाते बाटा टीवी पाकिस्तान।